हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास यार दो तीन लोगों के मैसेज आए थे कि भाई जब भी हम अपना कोई भी पोस्ट जो इंडेक्सिंग के लिए डाल रहे हैं तो हमारे पास एक एरर आ रही है, HTTPS इनवैलिड। तो ये क्यों एरर आ रही है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस एरर से आपकी साइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि गूगल ने अपनी तरफ से एक नई सर्विस जो है वो स्टार्ट की है कि जितने भी HTTP एड्रेस हैं उनको वो रीडायरेक्ट कर रहा है HTTPS पे। तो अगर आपके आपके भी जितने भी एड्रेस HTTP पे चल रहे हैं तो उनको जल्दी से अपने HTTPS पे रीडायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो शायद आने वाले समय में इनवैलिड हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वो एरर आ रही थी कि HTTPS इनवैलिड, जो कि इंडेक्स नहीं हो पा रहा है आपका। तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये एरर क्यों आ रही है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी लर्न मोर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल ने साफ साफ कहा हुआ है कि ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है जो आपके पास एरर आ रही है, ये फिक्स हो जाएगा 15 से 30 दिन के अंदर अंदर। जो इशू आ रहा है आपके पास तो वो फिक्स हो जाएगा। आप इस आर्टिकल को पूरा स्टडी कर लीजिए, अगर आपके पास एरर आ रहा है तो इस पूरे को स्टडी कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मैंने चेक किया कि तो मैंने जो एड्रेस जो है वो इंडेक्सिंग के लिए सबमिट किया है, तो ये इंडेक्स हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन थोड़ा स्टडी करने के बाद, थोड़ा इसको डीपली जाने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे पास एक ऑप्शन आ गया था HTTPS का। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 26 URL जो हो HTTPS वैलिड हो गए हैं। तो ये ऑप्शन जो पहले नहीं आता है, तो ये ऑप्शन कहाँ से आएगा आपको, आप देख सकते हैं कहाँ से आएगा। ये ऑप्शन हमारे पास आएगा जो हमने लर्न मोर पे एक नई टैब ओपन की थी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी एक, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन HTTPS रिपोर्ट। तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है आपका इनेबल होगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन होगी, यहाँ से देख सकते हैं ये आपके सर्च कंसोल में जो है वो रीडायरेक्ट करेगा। तो वहाँ पे आपसे आपकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके बोलेगा कि सेलेक्ट कीजिए अपनी प्रॉपर्टी, प्लीज सेलेक्ट प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक, जो HTTPS वाला ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास नॉन HTTPS URL कितने हैं और HTTPS URL कितने हैं और कितने वैलिड हो चुके हैं, और किसी URL में कोई इशू तो नहीं है, आप यहाँ से इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ गूगल की तरफ से अपडेट आई हुई थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कोई इतना मेजर इशू नहीं है जो हमारे पास आ रहा है, ये सिर्फ गूगल की तरफ से छोटा सा एक अपडेट आया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि आपकी जो जितने भी आपके पोस्ट हैं वो इंडेक्स नहीं हो चुके हैं। बस आपको क्या करना है, जितने भी आपके साइट्स हैं उनको HTTPS से आपको रीडायरेक्ट कर देना है HTTPS से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।